हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अड्डा 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि एसएससी एंड रेलवे में। मेरा नाम है कमलदीप सिंह और आज 11 जून के तीनों शिफ्टों का पूरा एनालिसिस लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। ठीक है, तो एनालिसिस तो आज दिन में आप सब लोग देख चुके होंगे, मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन जो हैं। अब मेमोरी बेस्ड की बात करता हूं तो इस बार एसएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि डिक्शनरी प्रॉब्लम को छोड़कर अरेंजिंग इन द सिक्वेंस, यानी कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, तो वही उस टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और साथ ही कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आज के एग्जाम में हमने देखा कुछ क्वेश्चन वहाँ पर रिपीट हुए थे। ठीक है, मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ पर एक दो क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसलिए कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज। ठीक है, जो कि मेमोरी बेस्ड पर है आज के पेपर की। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कंप्यूटर जी, पहला क्वेश्चन आज हमें दिखा दीजिए आप। पहला क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड इन द गिवन मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो मीनिंगफुल सीक्वेंस में आपको इनको लगाना है। तो आप सभी को पता है यार, की, डोर, लॉक, रूम और स्विच ऑन, तो इनका सीक्वेंस यहां पर क्या हो सकता है? तो आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, आप की लोगे। क्या लोगे? की, यानी कि नंबर वन पे की आ गई। उसके बाद आप लॉक ओपन करोगे, लॉक आपने ओपन किया, फिर डोर ओपन करोगे यानी कि नंबर तीन पर। तो पहले वन के बाद क्या आया आपका? थ्री आया, फिर टू आया, फिर डोर ओपन किया, डोर के बाद आप रूम ओपन, रूम में पहुंचोगे यानी कि नंबर चार पे पहुंचोगे, फिर आप क्या करोगे वहां से? फिर आप स्विच ऑन कर दोगे। तो 1 3 2 4 5, तो 1 3 2 4 5 कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो ये इसका एक मीनिंगफुल सीक्वेंस यहां से हो जाएगा। पहले आपके पास की थी, आपने क्या किया? लॉक ओपन किया, फिर रूम ओपन किया, डोर ओपन किया सॉरी, फिर रूम में पहुंचे, फिर वहां पर स्विच ऑन किया। तो इस तरीके से ये इसका मीनिंगफुल सीक्वेंस यहां से बन जाएगा। तो इस तरीके के सीक्वेंस क्वेश्चन आपसे इस बार एसएससी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, और मे भी आने वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिए जाएं, क्योंकि एक शिफ्ट में इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। फिर से आपको इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो दिया गया है पुलिस, पनिशमेंट, क्राइम, जज और जजमेंट। तो किस तरीके से आप इसको यहां पर अरेंज करोगे देखना होगा। तो हम बात करते हैं यार पुलिस, पनिशमेंट की, क्राइम, जज और जस्टिस। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले कोई क्राइम होता है, क्लियर है? सबसे पहले क्या होता है? कोई क्राइम होता है। तो नंबर थ्री पर आपका आएगा, पहले नंबर पर क्राइम होगा, फिर उसको पुलिस पकड़ेगी यानी फिर पुलिस का काम आएगा यानी कि नंबर वन। फिर क्या आएगा? पुलिस का काम आएगा। पुलिस के काम के बाद क्या होगा? पुलिस क्या करेगी? पनिशमेंट करेगी। क्या करेगी? पनिशमेंट करेगी। क्लियर है? अब पनिशमेंट देने के बाद में जज के पास जाएगा केस। किसके पास जाएगा? जज के पास केस जाएगा। तो जब जज के पास केस जाएगा तो कहाँ पहुँचेंगे हम? नंबर चार पर पहुँचेंगे। क्लियर है? कहाँ पर पहुँचेंगे? नंबर चार पर पहुँचेंगे। अब जज क्या करेगा? फिर हमें जजमेंट देगा, जजमेंट नंबर पाँच पर आ जाएगा। तो 3 1 2 4 5 इसका एक मीनिंगफुल सिक्वेंस यहाँ से बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। तो ये इसका सही जवाब यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। तो जल्दी जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं, बिल्कुल देरी ना किए हुए। अगला क्वेश्चन है कि इफ द एवरी वोवेल ऑफ द वर्ड इंटरनेशनल इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड एवरी कॉन्सोनेंट इज चेंज टू इट्स प्रीवियस लेटर। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिक्शनरी के अनुसार अगर वोवेल अगर हमें इस लेटर में, इस वर्ड में कहीं दिखता है तो उसको हम क्या करेंगे? उसके नेक्स्ट लेटर से रिप्लेस करेंगे, और अगर हमें कोई कॉन्सोनेंट हमें दिखता है तो उसको हम उसके प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे वो यहाँ देख लीजिए। तो बोला गया है अगर इस तरीके से रिप्लेस किया जाए तो बाएँ से पाँचवा अक्षर क्या होना चाहिए? तो भाई बाएँ से पाँचवा अक्षर तो वही होगा जो इस बार इंटरनेशनल वर्ड में बाएँ से पाँचवा अक्षर है। ठीक है, तो इंटरनेशनल में बाएं से पांचवा अक्षर क्या है? इंटरनेशनल। ठीक है, तो इंटरनेशनल इस तरीके से आपने यहां पर लिख दिया। आप देखिए, तो बाएं से पांचवा, तो लेफ्ट ये साइड है इसकी, तो पांचवा कौन सा होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो पांचवा क्या है? आर। आर क्या होता है? आपका कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट को इसके प्रीवियस लेटर से हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है। तो इसका प्रीवियस लेटर क्या होता है? क्यू। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहां से सही जवाब है। ठीक है, तो इस बार सुनने में ये आया था कि मतलब पहला जो शिफ्ट हुआ था 4 जून वाला, उसमें कुछ बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए, तो ये क्वेश्चन बैंकिंग पैटर्न में पूछे जाते हैं, तो मे भी इस बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा दिया है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप इसको आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। देखो, आपका सिलोइज्म से क्वेश्चन है, सिलोइज्म से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो स्पेशल केस से पूछे जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर वो स्पेशल केस क्या है? तो वो स्पेशल केस ये है कि जब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेंटेंस का स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर एक स्पेशल केस बन जाता है कि अगर सम और नो का कॉम्बिनेशन हो रहा हो तो हमेशा जो हमारा कंक्लूजन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बनता है, वो भी नेगेटिव। किस तरीके से बनता है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं कि ऑल स्टील इज आयरन एंड नो आयरन इज सॉलिड।
तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, पहला दिया गया है कि ऑल स्टील इज आयरन, ऑल स्टील इज आयरन, और सेकंड दिया गया है आपको नो आयरन इज सॉलिड। नो आयरन इज सॉलिड। अब आपको दोनों का कॉम्बिनेशन करना है, तो किस तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे इसका, देखो आपको एक कॉमन वर्ड चाहिए, तो कॉमन वर्ड आपको आयरन यहां पर मिल गया, क्लियर है, और एक इस आयरन के आगे नो भी है, क्योंकि कॉम्बिनेशन की शर्त होती है कि एक कॉमन वर्ड के आगे ऑल या नो का होना जरूरी है। और आपको पता है जब ऑल से हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो ये क्या होता है, यहां पर हिडन वर्ड आपका सम होता है, और यहां पर हिडन वर्ड क्या होता है आपका नो से स्टार्ट हो तो नो होता है, क्लियर है। तो जब हम इसका कॉम्बिनेशन यहां पर करेंगे, ये देखिए, तो कॉम्बिनेशन इसका यहां पर बन गया, तो यहां पर एक आपका कंक्लूजन बनेगा कैसा, देखो पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन से हमेशा एक नेगेटिव कंक्लूजन निकल के आता है, क्लियर है। तो नेगेटिव निकल के आएगा, देखो ऑल का नेगेटिव क्या होता है नो, तो यहां से निकल के आ जाएगा नो स्टील इज सॉलिड, नो स्टील इज सॉलिड। और इसको मैं रिवर्स करके भी लिख सकता हूं, बिकॉज यहां पर हिडन वर्ड क्या होता है नो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नो सॉलिड इज स्टील, तो ये भी इसका ट्रू हो जाएगा। अब आपके पास डेफिनेट कंक्लूजन यहाँ से आ चुका है, अब अपने कंक्लूजन से आंसर दे सकते हैं कैसे, कि नो स्टील इज सॉलिड, तो ये तो हमने निकाला जस्ट अभी, तो पहला वाला फॉलो करेगा। सेकंड वाले की बात करते हैं, सम आयरन इज स्टील, सम आयरन इज स्टील, अब पहले वाले पे आ जाओ क्योंकि पॉजिटिव दिया गया है और स्टील और आयरन की बात हो रही है, तो पहले वाले में दिए गए हैं दोनों चीजें, तो मैं इसको अगर उल्टा पढ़ूं सम आयरन इज स्टील, तो ये ट्रू होगा ऑलरेडी, तो सेकंड वाला भी आपका यहां पर क्या होगा फॉलो करेगा, क्लियर है, तो सेकंड वाला भी यहां पर फॉलो करेगा, तो दोनों यहां पर फॉलो कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है कि बोथ फॉलो। अगर यार यहां पर ऑल की जगह पर सम होता, क्या होता ऑल की जगह पर सम, तो ये यहां पर बन जाता है स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको आज आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस केस पर यहां पर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्लियर। तो मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सम और नो का कॉम्बिनेशन यहां पर बन रहा हो, क्योंकि यहां पर सम है और यहां पर नो है, तो अब हमारा सम और नो का कॉम्बिनेशन हो गया यहां पर, तो ये एक स्पेशल केस बन जाता है। तो यहां पर केवल एक ही डेफिनेट कंक्लूजन निकल के आता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहां पर एक ही निकल के आएगा बस, दैट इज सम स्टील इज नॉट सॉलिड, ठीक है, सम स्टील इज नॉट सॉलिड, केवल एक ही डेफिनेट कंक्लूजन होगा जो ये होगा। तो ये चीज याद रखनी है, अगर सम और नो का कॉम्बिनेशन हो रहा हो तो केवल एक ही डेफिनेट कंक्लूजन निकलेगा, वो भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर में, हम इसको सॉलिड से स्टील की ओर नहीं पढ़ सकते कि सम सॉलिड इज नॉट स्टील, हम पढ़ेंगे केवल पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, सम स्टील इज नॉट सॉलिड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बात को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, तो वैन डायग्राम का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो मुझे बेहद खुशी हो रही है, क्योंकि यार क्योंकि वैन डायग्राम एक ऐसा टॉपिक है बहुत इजी भी होता है और कुछ लोगों को नहीं पता हो तो बहुत हार्ड भी लगता है, क्लियर है। तो मैं आज आपको अप्रोच भी बताऊंगा और साथ साथ करने का तरीका भी। तो बोला गया कि वोमेन सिस्टर्स एंड वाइफ्स के बीच में आपको रिलेशन दिखाना है कि क्या ग्राफ बनेगा, तो वोमेन सिस्टर्स एंड वाइफ्स, ठीक है, तो सबसे पहले दो के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर कुछ वहां से सही हो जाता है। कैसे, देखो अगर मैं सिस्टर और वोमेन के बीच में रिलेशन निकालता हूं तो किस तरीके का रिलेशन निकलता है, तो आपको पता है कि इसको मैं बोल सकता हूं ऑल सिस्टर आर वोमेन, यानी कि सभी जो बहनें होती हैं वो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, क्लियर हो गया। तो ऑल सिस्टर्स आर वोमेन, अगर मैं एक भी साइड से ऑल बोल सकता हूं तो हमारा वहां पर ऑल का रिलेशन होता है, ऑल मतलब सभी का रिलेशन, तो इसको मैं इस तरीके से बना सकता हूं कि यहां पर ये वोमेन के लिए मैंने बना दिया और ये बना देता हूं मैं सिस्टर के लिए, किसके लिए, सिस्टर के लिए। तो अब आपके यहां से कितने ऑप्शन गलत हो जाएंगे, यहां से अब आपके यहां से एक ऑप्शन गलत हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बिकॉज अभी देखो क्यों गलत हो जाएगा, अब देखो वाइफ का और वाइफ के और आपके वुमेन के बीच में रिलेशन निकाल लेते हैं, तो वाइफ्स के और वुमेन के, जितनी भी हमारी वाइफ्स होती हैं क्या होती हैं, सभी औरतें होती हैं, ऑल वाइफ्स आर वुमेन, इसको भी ऑल के रूप में बोल रहा हूं मैं, तो यहां पर भी आपका क्या होगा ऑल का रिलेशन होगा, यहां पर भी ऑल का रिलेशन होगा, क्लियर है। तो आपको ये तो पता है कि वाइफ्स इसके अंदर आएगा, बट अभी हमें सिस्टर और वुमेन के बीच में रिलेशन निकालना है, सिस्टर और वोमेन के बीच में रिलेशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए आपको पता है कि यार हमारी कुछ सिस्टर्स होती हैं, अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो क्या बन जाती हैं, किसी की पत्नियां बन जाती हैं, वाइफ्स बन जाती हैं किसी की, ठीक है, तो उसी को हमें यहाँ पर फॉलो करना है कि हमारी सम्स जिनकी शादी नहीं हुई वो तो किसी की वाइफ्स नहीं होंगी, और जिनकी शादी हो गई होगी वो किसी की वाइफ्स वहाँ पर बन जाएंगी, यानी सम वाइफ्स आर सिस्टर्स एंड सम सिस्टर्स आर वाइफ्स, तो क्लियर यहाँ पर सम का रिलेशन आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में सम का दिखाना है तो ये सम का दिखा दो, ये आपकी वाइफ्स यहाँ पर आ जाएगी, तो ये रिलेशन आपका यहाँ से बन के आ रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मे भी आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीजीएल एग्जाम के लिए, प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है। मे बी कोडिंग डिकोडिंग का बेहतरीन क्वेश्चन इसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट लॉजिक होता है। कैसे ये? बोला गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सर्जन को कोड किया जाता है QLHDURP। ठीक है, देखो सर्जन को कोड किया जाता है GEON, क्या QLHDURP, तो इस टर्म से कोड किया जाता है। तो पहले यहाँ पर लॉजिक फाइंड कर लेते हैं कि लॉजिक हमारा क्या लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका प्लेस वैल्यू 19 होता है, इसका 21 होता है, इसका 18 होता है, इसका 7 होता है, इसका 5, इसका 15 और इसका 14। ठीक है, सेम एज यहाँ पर इसका 17 होता है, इसका 12 होता है, इसका आपका होता है 8, ये 4 होता है, ये 21 होता है, ये 18 होता है और ये आपका 22 होता है। ठीक है, अब देखो आपने कुछ लॉजिक यहाँ पर नोटिस किया, मैंने नोटिस किया, क्या नोटिस किया? अगर मैं यहाँ से 14 से यहाँ पर आ जाता हूँ तो कितना जा रहा है, 17, 14 से 17, यानी कि प्लस 3 का इंक्रीमेंट यहाँ पर हो रहा है। अब मैं 15 से यहाँ पर आता हूँ 12 पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अब फिर से ई से मैं आता हूँ एच पर, तो क्या हो रहा है, 5 से 8, फिर से +3। जी से आपके डी पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, 7 से 4 पर -3। आर से यू पर कितना हो रहा है, 18 से 21 पर +3। क्लियर, यू से आपके आर पर क्या हो रहा है, -3। एस से वी पर कितना हो रहा है, +3। तो +3 -3 का लॉजिक है, वो भी अपोजिट साइड से। ठीक है, तो आपको निकालना है सैडो का कोड क्या होगा, SHADOW। तो सैडो का कोड आपको यहां से निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर W की प्लेस वैल्यू होती है 23, यहां होती है कितनी, 15, कितनी होती है 15, यहाँ आपका होता है 4, यहाँ 1, यहाँ 8 और यहाँ 19। तो उल्टी तरफ से स्टार्ट करते हैं, पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर प्लस किया था, तो 23 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर इस तरीके से देखिए, रिटिन इन दैट, हाउ इज सैडो रिटिन इन दैट कोड लैंग्वेज, ये आपको बताना है। क्लियर है, देखो तो 23 दिया गया था, अब यहाँ पर हमने कहाँ पर एंड किया, ये हमने एंड कहाँ पर किया था, किस तरीके से। ठीक है, हमें देखना था कॉर्नर को, हमें देखना था कॉर्नर में हमने क्या किया था, हाँ कॉर्नर को ऐड किया था OHKULF। कॉर्नर को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, तो कॉर्नर देखो दो तरीके से बन सकता था यहां पर लॉजिक हमने क्योंकि लास्ट से करना स्टार्ट किया था, तो हमें पता था कि या तो +3 होगा या -3 होगा। तो जब मैंने ऑप्शन को देखा तो मुझे वहां पर +3 करूंगा तो 26 पर जाएगा ये, तो 26 का जेड मुझे कहीं नहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो इसका मतलब -3 हो रहा होगा पहले। तो मैं यहां से -3 करता हूं, तो W से -3 करेंगे तो क्या आएगा, T, जो कि 20वीं पोजीशन पर होता है। फिर O से +3 18, तो यहां पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। क्लियर, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा। अब ए दिया है, +3 करेंगे 4, फिर से आपका डी आ जाएगा। एच होता है 8, -3 करेंगे तो ई पर आ जाएंगे, और ये होता है 19, और +3 करेंगे तो वी पर आ जाएंगे, यानी TRADEV, त्रदेव इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से दिया गया है। क्लियर है, तो लॉजिक आपको पता लग गया होगा, रिवर्स में -+ करके इस तरीके से लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, तो त्रिदेव इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पर रेंज को कोड किया गया है FIQEW से। ठीक है, देखो मैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यार ये क्वेश्चन मे बी आपसे आस्क हो जाए अगले एग्जाम में, यानी कि अगले शिफ्ट में। तो रेंज को बोला गया है FIQEW से हमें कोड किया गया है, किस तरीके से कोड करना है। देखो ई से अगर मैं एफ पर आता हूँ तो +1, जी से आई पर +1, एन से आप कहाँ जाओगे, क्यू पर, देखो सॉरी जी एच आई यहाँ पर +2 हो जाएगा, और एन होता है 14, ये होता है 17, तो कितना +3। ए से आप ई पर आ रहे हो +4, अब आर से आप डब्ल्यू पर जा रहे हो +5। ठीक है, तो फिर से यह क्या हो, रिवर्स में कोड किया गया +1, +2, +3, +4, +5 करके। अब आपको बताना है कि प्रैंक का कोड क्या होगा, कि PRANK प्रैंक का कोड क्या होगा। ठीक है, तो सेम लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो K के बाद क्या आता है आपका, +1 करके L आता है, फिर N में +2 करेंगे 14 में तो 16 पर आएगा आपका P, A में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 पर आता है D, तो LPD से ही आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। LPDVU केवल एक ही ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा है और वही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है। अगला क्वेश्चन फिर से आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस वाले एग्जाम में। बोला गया है कि हिम एस को कोड किया गया, हिम माइनस एस को कोड किया गया 21 से। ठीक है, तो लॉजिक फाइंड कर लेते हैं, तो HIMACE, तो हिम एस को कोड किया गया है 21 से, तो 21 से क्या कोड किया गया होगा, देखिए 8 होता है प्लेस वैल्यू, यहाँ पर होता है 9, 17 और ये 13,
माइनस वन प्लस थ्री प्लस फाइव, तो ऐड कर लेते हैं तो 9, 8, 17 और 13 आपके हो गए 30, और ये कितना हो गया 5, 3, 8 और 1, 9, माइनस करेंगे तो 21 आपका यहाँ से आ जाएगा जो आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है, यानी कि प्लेस वैल्यू को ऐड करके माइनस कर दिया गया दोनों तरफ। अब आपको निकालना है सिप टैग का कोड क्या होगा, SIPTAG इसका कोड आपको बताना है। तो हमें पता है 19 और 9 आपके कितने हो गए 28, और 28 और 16 कितने हो गए आपके 44, ठीक है। तो 28, 16, 44 माइनस, तो ये 44 माइनस, ये कितना होगा 20, और एक 21 और 7 28, ठीक है। तो यहाँ पर 28, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 44 में से 28 आप माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ से 14 में से 8 गया 6 और यहाँ पर 16, सो 16 इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया। तो अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड चैट इज रिटन एज QHATC एंड फियर इज रिटन एज QEARF, हाउ वुड पिंग वी रिटन इन दैट कोड, ये आपको बताना है। तो लॉजिक आप फाइंड कर लेंगे तो इजीली आंसर दे देंगे कि चैट को क्या कोड किया जाता है, QHATC, ठीक है। तो आपने देखा यार ये वाला सी एंड में चला गया और हैट ऐसे का ऐसे ही लिखा है और क्यू इसके आगे लगा दिया, क्लियर है। तो आपको बताना है PING का कोड क्या होगा, तो PING का कोड आपको निकालना है। तो आप इस P को कहाँ ले जाओगे, इस लास्ट में ले जाओगे, यानी कि INGP, इसके आगे क्या लगा दोगे, क्यू लगा दोगे, तो QING ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। QING ये आंसर आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर B पर आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनना है, यानी कि ओड वन आउट का क्वेश्चन है, ठीक है। और रिलेटेड है आपके साइंस से, क्योंकि पहले में दिया गया रतौंधी, दूसरे पे इन्फ्लुएंजा, फिर नंबर 3 पे स्कर्बी और नंबर D पे आपका सूखा रोग। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यार कि रतौंधी हो गया, स्कर्बी हो गया और सूखा रोग हो गया, ये सारे रोग आपके विटामिन की कमी से होते हैं ना, लैक ऑफ विटामिन, ये रोग आपके हो जाते हैं। और इन्फ्लुएंजा जो होता है ये आपका वायरस से होता है, तो ऑप्शन नंबर जो B है वो इसका डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि जो डिफरेंट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर B। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अब देखो एक क्वेश्चन आपका डाइस से भी पूछा जा रहा है जिसमें आपको अपोजिट सरफेस फाइंड करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। अगर डाइस की दो पोजीशन दोस्तों आपको दी जाएं, कोई भी दो पोजीशन डाइस की आपको यहाँ पर दी जाएं, तब किस तरीके से आपको फाइंड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दो डाइस की पोजीशन आपको दी गई है, यहाँ पर परसेंटाइल आपका बना गया है, यहाँ पर आपका एंड बना गया है, यहाँ पर आपका स्टार बना दिया गया है, यहाँ पे स्टार और यहाँ आपका डॉलर। आपको बताना है कि एंड के पक्ष के विपरीत कौन सा होगा, यानी कि जो एंड है इसके अपोजिट फेज पे क्या आ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर दो डायरेक्शन आपको, दो डाइस आपको दिए जाएं, तो एक कॉमन फेज ढूंढ लेते हैं, कॉमन सरफेस आप ढूंढ लेते हैं, फिर वहाँ से क्या करते हैं क्लॉक वाइज चलना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार से क्लॉक वाइज जब आप पहली फिगर में गए तो परसेंटाइल पर पहुँचे, फिर जब क्लॉक वाइज जाएंगे तो कहाँ, एंड पर पहुँचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जब इसमें आप क्लॉक वाइज जाएंगे तो पहले आप डॉलर पर पहुंचेंगे, कहाँ पहुंचेंगे, डॉलर पर पहुंचेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पर आप पहुंचेंगे आपके इस वाले साइन पर, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा किसके अपोजिट क्या है, तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा आपका, एंड के अपोजिट ये वाला साइन आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर A दिया गया है, क्लियर है। तो इस तरीके से अपोजिट फाइंड कर लेते हैं, इसके अपोजिट ये होगा और बाकी जो बचा हुआ है इसके अपोजिट यहाँ आ जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ देखो एक और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर आया है कि A=2, M=26 and Z=52, तो बैट का कोड यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो बोला गया है A=2 दिया गया है, M=26 दिया गया है और Z=52 आपका 52 दिया गया है। तो आप सभी को पता है यार A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यहाँ 2 दी गई, यानी डबल करके लिख दी गई है। M की प्लेस वैल्यू 13 होती है, या 26 लेके डबल करके लिख दी गई है, ठीक है, सेम एज Z की। तो आपको बताना बैट का कोड यहाँ पर क्या होगा, तो BET का कोड यहाँ पर क्या होगा। तो पहले आप इसकी डायरेक्ट निकाल लीजिए ऐड करके, B का होता है 2, E का होता है 5 और T का होता है आपका 20, तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 और 20 27, क्लियर है। अब जब आपको बताया सारी चीज़ें डबल हो रही हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 54 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, क्लियर है। सो 54 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब आज के जो सेशन में क्वेश्चन आपके लिए पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछे गए हैं। आज के जो पेपर था थर्ड शिफ्ट का, उसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका कि हाँ यहाँ पर दिया गया था आपको इंसुलिन
और ये आपका रिलेटेड था किससे, हार्मोन से, ठीक है। और सेम एज आपको यहां पर क्या दिया गया था, पेप्सिन दिया गया था और यहां पूछा गया था क्या होगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन तो मुझे पता नहीं क्या होंगे, बट मुझे पता है कि इंसुलिन जो होता है वो आपका हार्मोन होता है और पेप्सिन क्या होता है, एंजाइम होता है। तो यहां पर आपका इसका राइट आंसर जो भी होगा ऑप्शन में दिया गया होगा दैट इज एंजाइम। तो ये क्या होता है आपका, एंजाइम होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये आपके एंजाइम होते हैं, इंसुलिन आपका हार्मोन होता है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद बात करता हूँ, एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का मुझे याद आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से था, ए यू को कोड किया गया था 21 से, ठीक है। साथ ही आपके एक और वर्ड वहाँ पर दिया गया था, मुझे वर्ड एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, क्लियर है। शायद वी ई टी को नहीं, कुछ और यहाँ पर दिया गया था, एक्चुअली मुझे कंफर्म ध्यान नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर देखिए इस तरीके से कोडिंग था, मतलब उसका कि 1 और इसका 21, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पर कोड किया गया था 21, क्लियर है। कुछ और भी लिख लो यहाँ पर, कुछ और दिया गया होगा, मान लिया HAT दिया गया था, हैट, ठीक है, मान लिया हैट इक्वल्स टू दिया गया था। तो ये 8 होता है, ये 1 होता है और ये 20 होता है, तो 20 अट्ठे 160, तो 160 करके इसको कोड किया गया, इस तरीके से कोड किया गया था। तो आपको बताना था कि बेक का कोड क्या होगा, ठीक है, तो बेक का कोड आपको बताना था। तो सेम ऐसे ही करना है आपको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहाँ पर 11, यहाँ पर 5, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 11 दहाई 110, तो 110 इसका राइट आंसर यहाँ से आ जाता। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे आपसे आज के एग्जाम में, ओके। तो जो भी क्वेश्चन मैंने पहले कोडिंग डिकोडिंग के कराए उन पर अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू अगर आपकी याद हो तो, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा आपको सेशन, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब जरूर दीजिएगा, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ओके। चलिए, जय हिंद दोस्तों।